हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन टाइम एंड वर्क। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था सर? एसएससी एसएएस 2010 में आया था। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। ए इज 50% मोर एफिशिएंट वर्कर देन बी। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन? ए और बी टुगेदर कितना दिन में करता है? ए प्लस बी करता है 15 दिन में। ए इज 50% मोर एफिशिएंट, मतलब बी से 50% के हिसाब से बी अगर एक्स दिन में करेगा तो ए 50% मोर एफिशिएंट, मतलब ए कितना दिन में करेगा सर? 2/3 एक्स दिन में। तो 50% मोर मतलब क्या होता है सर? एक्स 50% मोर मतलब 150/100 काम कर लेता है। बी अगर एक काम करता है तो ये 150/100 पार्ट काम कर लेता है। तो कितना हो रहा है सर? 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3/2 पार्ट कर लेता है। 3/2 पार्ट करता है एक दिन में, तो एक पार्ट करेगा कितना दिन में सर? 2/3 डेज में। लेकिन हमने बी का दिन पकड़ा था एक्स दिन, इसीलिए एक्स गुना कर दिए। ठीक है सर, समझ में आ गया? तो मतलब क्या होता है, ए अगर 2x डे में करेगा, बी कितना 3x डे में करेगा, 3 से गुना कर दिए, खत्म कहानी। अब देखो दोनों ने मिलकर एक साथ काम करेगा तो 2x × 3x/2 × 3 = 5x इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है। तो इधर कितना हो रहा है सर? 3 × 5 = 15, तो x कट गया, तो x बराबर कितना हो रहा है? 25/2 दिन में करेगा, मतलब 12.5 दिन में, 21.5। अच्छा ठीक है, 25/2 ही रख दो। अब क्या मांगा था सर? हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू कंप्लीट द वर्क? तो 25/2 × 2 दिन निकालेंगे तो 2x डे हम लोग पकड़े थे, तो 2 से काट गया, तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा सर? 25 दिन में। 25 दिन कहाँ पे है? ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पे कोई गलत ऑप्शन हमने पुट कर लिया था, अब एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे ऑप्शन सर 25 डेज होगा, ऑप्शन नंबर 5 पकड़ के हम लोग लिख देते हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।